तो गाइस क्या आप लोग को मालूम है मलेशिया में येलो कलर क्यों है बैन, या फिर येलो कलर की टी शर्ट पहनने पर क्यों हो जाती है जेल? ये सब मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जो कि फ्री में हो जाता है। तो गाइस दुनिया में ऐसे कई देश है जिसमें कई कानून किसी न किसी वजह से बनाए गए हैं। ज्यादातर देश में सभी प्रकार के रंग के कपड़े पहनने की आजादी है, अर्थात किसी भी रंग के कपड़े पहनने पर कोई रोक नहीं है। पर एक ऐसा देश है जहाँ किसी एक रंग के लिए सख्त कानून बनाया गया है, वो रंग है पीला। पीला एक ऐसा रंग है जिसकी सूरज की चमक और दोस्ती के प्रतीक माना जाता है। पर एक मलेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर पीले कपड़े पहनने पर रोक है और इसके ऊपर कानून भी बनाया गया है। मलेशिया में पीली टी शर्ट पहनने पर लोगों को जेल हो सकती है। तो गाइस मैं बता दूं, इस कानून बनाने के ऊपर एक बहुत बड़ी वजह है। यहाँ के लोग इसे सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पहनते हैं। तो गाइस ये बात है आंदोलन के दौरान, बड़ी तादाद में इस रंग की टी शर्ट पहली बार वहाँ के लोगों ने 2015 में नेशनल प्रोटेस्ट के दौरान पहनी। यह रैली मलेशियन सरकार द्वारा किए जा रहे करप्शन के खिलाफ निकाली गई। आंदोलन के दौरान पहनी गई पीली टी शर्ट पर पेरिस लिखा हुआ था, जिसका मतलब है साफ सुथरा चुनाव और क्लीन एंड फेयर इलेक्शन। इस आंदोलन के बाद ही इस रंग पर कानून बना। इसके बाद पीले कपड़ों पर बिक्री खरीद पर रोक हो गई। मलेशिया की होम मिनिस्ट्री ने साल 2015 में पीले कपड़ों की बिक्री खरीद प्रोडक्शन और प्रिंटिंग पर रोक लगा दी। अब पीली शर्ट या टी शर्ट खास तौर पर उस पर लिखा हुआ बैरिश या बैरिश 4/5 लिखा हुआ है तो वह पूरी तरह इस देश में बैन है। अगर आप पहनते तो आपको जेल भी हो सकती है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।